A very warm welcome to all of you. My name is Atul Dhiman and welcome to this Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS. So, aaj jo hai hum log set 3 karenge MCQ series ka on Indian freedom struggle and today also we have very good questions. So, hum log koshish karte hain inko solve karne ki, kuch naya seekhne ki. Let's begin with the first question. So, pehla jo sawal hai wo kya hai? Wo hai Neil Darpan ke upar. Neil Darpan ya Blue Mirror, it was a play. It was a play that was written in Bengali language by whom? It was written by Deenbandhu Mitra. So Deenbandhu Mitra published a play in the Bengali titled Neel Darpan, Blue Mirror, which depicted the atrocities on the indigo planters. The play was translated into English by whom? ठीक है. So पहला जो option है that is James Long. दूसरा option है द्वारकानाथ टैगोर. Third is Madhusudan Datta and fourth is Rabindranath Tagore. ठीक है. अब देखिए ये जो दीन बंधु मित्रा थे इन्होंने नील दर्पण एक ऐसा प्ले लिखा था जिसमें उन्होंने दिखाया हुआ था कि जो नील की खेती करने वाले किसान हैं, नील की खेती करने वाले जो फार्मर्स हैं उनकी हालत देखो किस तरीके की है, उनकी हालत किसने इतनी बुरी करके रखी हुई है. दो लोगों ने, एक तो है गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और दूसरे लोग थे यूरोपियन प्लांटर्स जो इनको जो है बेसिकली किसी एग्रीमेंट में या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट में फंसा लेते थे और कहते थे कि आपको जो है नील की खेती ही करनी है इन ऑर्डर टू गेट सम एडवांस. आपको कुछ पैसे चाहिए, आप नील की खेती कीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे. और ये जो प्रोसेस होता था ये लगे रहता था, मतलब चला रहता था. फार्मर्स बेचारे परेशान हो चुके थे, फार्मर्स अपना कुछ फूड क्रॉप जो है वो ग्रो करना चाहते थे लेकिन ये यूरोपियन प्लांटर्स जो है इनको करने नहीं देते थे, इनको एडवांस दे देते थे और एडवांस के जैसे साइकिल में फंस के फार्मर्स बेचारे के पास ऑप्शन और कोई रहता नहीं था. तो वही फार्मर्स की हालत जो है बदतर से बदतर होती गई, बदतर से बदतर होती गई, जिससे फार्मर्स को अल्टीमेटली क्या करना पड़ा, रिवोल्ट करना पड़ा. क्या करना पड़ा, रिवोल्ट करना पड़ा. इसी को ही इंडिको रिवोल्ट भी कहा जाता है, इंडिको रिवोल्ट कहा जाता है. ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था बंगाल के अंदर. ठीक है, तो पहली बार रिवोल्ट अगर देखा जाए, इंडिको रिवोल्ट, वो बंगाल के अंदर हुआ था. ठीक है, इंडिको से रिलेटेड. ठीक है, ओके. सो इसका आंसर क्या है, जिसने इस पूरे प्ले को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, दैट वाज जेम्स लॉन्ग. रिवरेंड जेम्स लॉन्ग इज द राइट आंसर. ठीक है, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं. सो मैंने आपको इंडिको रिवोल्ट तो समझा दिया कि फार्मर्स का हाल बहुत बेहाल था जिसकी वजह से फार्मर्स उठे, उन्होंने रिवोल्ट किया, उन्होंने कहा कि हम लोग अब इतना ज्यादा सहन नहीं कर सकते. सो इंडिको कल्टीवेशन जो स्टार्ट हुई बंगाल के अंदर वो 1777 में हुआ, 1777 में इंडिको कल्टीवेशन शुरू हुई. क्यों इंडिको कल्टीवेशन शुरू हुई, बिकॉज इंडिको जो था काफी ज्यादा हाई डिमांड में था पूरे वर्ल्ड में, स्पेसिफिकली यूरोप में. तो यूरोप में क्या होता था, कपड़ों को डाई करने के लिए नील की जरूरत पड़ती थी, कपड़ों को डाई करने के लिए ब्लू डाई की जरूरत पड़ती थी यूरोप के अंदर. तो इसीलिए इसका जो ट्रेड होता था इंडिको का, ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता था, बहुत प्रॉफिटेबल होता था. अब कल्टीवेटर्स जो थे, कल्टीवेटर्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको बेसिकली फोर्स किया गया इंडिको प्लांटर्स के द्वारा कि आप क्या करो, अपनी फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स कौन सी, जैसे पैडी हो गया, तो पैडी की जगह आप क्या करो, आप इंडिको ग्रो करो. ठीक है, हम आपको क्या देंगे, एडवांस देंगे. ठीक है, उसके बाद क्या होता था कि अगर कल्टीवेटर बेचारा परेशान हो जाता था, उसको लगता था कि यार मैंने इंडिको तो ग्रो कर दिया है, नो प्रॉब्लम, इंडिको आई हैव ग्रोन इट, बट इंडिको से ग्रो करने की वजह से जो मेरा लैंड है, लैंड का जिसे कहते हैं ना फर्टिलिटी, उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है. फर्टाइल लैंड जो थी उसकी, अब वो इनफर्टाइल हो रही थी. क्यों, क्योंकि वो इंडिको ग्रो कर रहा था, इंडिको से बहुत ज्यादा फर्टिलिटी ऑफ लैंड पे फर्क पड़ रहा था. ऊपर से इनको, इंडिको जब ये ग्रो करते थे तो कल्टीवेटर्स को बिल्कुल भी इतना ज्यादा फायदा नहीं होता था, जस्ट एक एडवांस सम मिल जाता था यूरोपियन प्लांटर्स से, बात खत्म. उस इसकी वजह से अब फार्मर्स जो थे वो नहीं ग्रो करना चाहते थे इंडिको को. तो जब नहीं ग्रो करना चाहते थे तो बेसिकली होता क्या था कि जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो क्या करते थे, वो बेसिकली उनको उनके साथ लूटिंग करते थे, बर्निंग उनकी क्रॉप्स कर देते थे, या किडनैपिंग ऑफ फैमिली मेंबर्स, इस तरीके से फंसाना उन्होंने शुरू कर दिया था. किस किन्होंने, बेसिकली जो यूरोपियन प्लांटर्स थे. अब इसके इसके इसकी वजह से क्या हुआ,
कि यूरोपियन प्लांटर्स के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट भी क्या करती थी, सपोर्ट करती थी यूरोपियन प्लांटर्स को कि आप जो कर रहे हो इनके साथ वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से एक इंडिको रिबेलियन होता है। इंडिको रिबेलियन इंडिको फार्मर्स के द्वारा होता है। कहाँ पे होता है? नाडिया डिस्ट्रिक्ट, नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में होता है, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया कि हम लोग अब इंडिको ग्रो नहीं करेंगे। ये अदर पार्ट ऑफ बंगाल में भी स्प्रेड होना शुरू हो गया। इस नाडिया डिस्ट्रिक्ट में जो इंडिको रिबेलियन होता है उसको लीड करते हैं विश्वास, विश्वास ब्रदर्स। विश्वास ब्रदर्स में दो लोग होते हैं, एक होते हैं दिगंबर विश्वास, दिगंबर दिगंबर विश्वास, और दूसरे थे विष्णु विश्वास। तो याद रखिएगा, ये विश्वास ब्रदर थे, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। इन्होंने बेसिकली नाडिया में ये इंडिको रिवोल्ट लेड किया था। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अपने याद रखनी है, दैट इज कि रिवोल्ट को सपोर्ट किया था बंगाल के जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, मुस्लिम्स ने सपोर्ट किया था और मिशनरीज ने सपोर्ट किया था। ठीक है, अब उन्होंने कैसे सपोर्ट किया? जैसे कि बंगाल में जो इंटेलिजेंसिया के लोग थे, जैसे कि हमारे खुद जो दीन बंधु मित्र थे, उन्होंने कैसे इस रिवोल्ट को सपोर्ट किया? बाय राइटिंग अ प्ले नील दर्पण। नील दर्पण उन्होंने लिखा, मिरर ऑफ इंडिको उन्होंने लिखा 1858 के टाइम पे, इट वाज रिटन इन 1858। उसके बाद ये जो बंगाल के लोग थे इन्होंने प्रेस के थ्रू भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया। प्रेस में जो अपने न्यूज़पेपर ये छापते थे, जनरल छापते थे, न्यूज़लेटर छापते थे, उसमें उन्होंने कंडेम किया या सरकार को कहीं ना कहीं आड़े हाथों लिया कि रिलेटेड टू दिस होल पर्टिकुलर थिंग, कि आप किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हो। सो द प्ले जो है, ये जो प्ले था, ये बहुत ज्यादा एक तरीके से दिखाया गया कि किस तरीके से कितना ज्यादा एक इंडिको जो कल्टिवेटर्स थे उनको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। अब ये जो प्ले था इसको ट्रांसलेट किसने किया था? इंग्लिश में जेम्स लॉन्ग ने किया था। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ये जो प्ले, ये सारा इंडिको रिवोल्ट जो है उसके बाद क्या हुआ। अब देखिए, ये इंडिको रिवोल्ट हुआ, इंडिको रिवोल्ट के बाद सरकार ने क्या अल्टीमेटली आया, सरकार ने बेसिकली ये बोल दिया यूरोपियन प्लांटर्स को कि जो लोग करना चाहते हैं, मतलब जो लोग खेती करना चाहते हैं उनके करने दो, उनको जबरदस्ती, और जो लोग नहीं करना चाहते उनके साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो यूरोपियन प्लांटर्स को जब ये सुनने को मिला तो यूरोपियन प्लांटर्स भी अपनी जगह जो थे वो शिफ्ट करना शुरू कर दिया। वो बंगाल से कहाँ शिफ्ट हो गए? दे शिफ्टेड टू बिहार। कहाँ पे शिफ्ट हो गए थे? दे शिफ्टेड टू बिहार। और इसीलिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जब गांधी जी आए थे तो बिहार में, आपको पता है, चंपारण में इंडिको रिवोल्ट, चंपारण में, सॉरी, चंपारण में इंडिको रिवोल्ट दोबारा से हुआ था। ठीक है, सो यही का जो चीज था ये बिहार में चंपारण में आया था। ठीक है, सो ये सारी चीजें थी जो हमने इंडिको रिवोल्ट के बारे में पढ़ ली। विच नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन अमंग द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ सेफ्टी वेल्थ थ्योरी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब देखिए, सेफ्टी वेल्थ थ्योरी का मतलब क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है? अ थ्योरी दैट आर्ग्यूड दैट कांग्रेस वाज फॉर्मड एज अ सेफ आउटलेट टू द डिसकंटेंटेड एजुकेटेड इंडियंस। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कि अ थ्योरी दैट आर्ग्यूड दैट द कांग्रेस वाज फॉर्मड एज अ सेफ आउटलेट टू द हॉस्टाइल एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश टूवर्ड्स द इंडियन पीपल। अ थ्योरी विच बिलीव दैट द ब्रिटिश एंड एक्स रिबल्स ऑफ 1857 शुड एमिकेबली, एमिकेबली मतलब फ्रेंडली रिजॉल्व करना चाहिए अपना डिफरेंस अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट इज एज आइडिया एम्ड एट प्रमोटिंग द गुडविल अमंग द इंडियन पीपल। ऐसा कुछ भी नहीं था। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल ये था कि सेफ्टी वेल्थ थ्योरी में ये कहा गया था कि यार देखो, ऑलरेडी ना इंडियंस जो है, बड़े इंडियंस को पॉलिटिकल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, प्लेटफॉर्म की जरूरत है, ताकि वो अपना जितना भी डिसकंटेंट है, ग्रीफ्रेंसेस है, कंप्लेन है, वो सारा प्लेटफॉर्म का माध्यम का यूज करके वो किसको बता सके? ब्रिटिशर्स को बता सके। अंडरस्टूड? सो इसमें सेफ्टी वेल्थ थ्योरी में अ थ्योरी दैट आर्ग्यूड दैट कांग्रेस वाज फॉर्मड एज अ सेफ आउटलेट टू द डिसकंटेंट एजुकेटेड इंडियंस। बिल्कुल, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि 1857 के बाद जो है, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, इंटेलेक्चुअल जो इंटेलिजेंट जो मतलब लोग थे,
उनको ये रियलाइज हो गया कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो जब उनको ये रियलाइज हो गया तो देन दे डिसाइडेड कि लेट्स डू पॉलिटिकल स्ट्रगल। और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म, और यही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आगे जाके जब ऑल इंडिया कांग्रेस बनी, ऑल इंडिया कांग्रेस बनी, तो इसके पीछे ये थ्योरी लगाई गई कि ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी थी, इनको बेसिकली हमने एक जगह दे दी, क्योंकि ये सारे डिसकंटेंटेड थे इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे, तो हमने एक प्लेटफॉर्म इनको बनाने के लिए दे दिया विच इज ऑल इंडिया लेवल, कि यहाँ पे आके अपनी जो भी इनकी जो कंडीशन है, चीजें हैं, वो बताएं हमें, और आगे जाके हम लोग इनकी बातों को सुनेंगे। ठीक है, तो एक एज अ सेफ्टी वेल्व जो है एक विंडो दे दी कि यहाँ से चीजें निकल के हमारे पास आएंगी। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर फर्स्ट है। फर्स्ट आंसर कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे इसकी थेरीज थी। बेसिकली कांग्रेस के बनने का मेजरली दो थेरीज के ऊपर बोला जाता है कि दो थेरीज थी कांग्रेस के बनने की। पहले है मिथिकल थेरी। मिथिकल थेरी में क्या है, जिसमें बताया गया है एक ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच ऑफ एओ ह्यूम दिखाई गई है। एओ ह्यूम जो थे वो बेसिकली सिविल सर्वेंट थे, और वो एक तरीके से इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रगल था उसकी तरफ थोड़ी सिंपथी रखते थे, ऐसा मिथिकल थ्योरी में बताया गया है। सिंपथी रखते थे कि ये जो लोग हैं, ये बेचारों की अपनी पॉलिटिकल राइट्स हैं, इनके पॉलिटिकल डिमांड्स हैं, तो उसको जो है उसको वॉइस देने के लिए, उसको क्या देने के लिए, वॉइस देने के लिए, वॉइस देने के लिए लेट्स मेक अ प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि वो अपनी डिसकंटेंटमेंट, मतलब अपनी जो मतलब उनकी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स हैं, वो ग्रेजुअली उनकी ग्रो होना शुरू हो जाएगी ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में ये जो डिसकंटेंटमेंट है ये ज्यादा ग्रो ना हो पाए, उसको मिनिमल करने की कोशिश में ही उन्होंने एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इंडियंस के लिए बनाया। ठीक है, इंडियंस के लिए बनाया। सो सिंपल सी बात है, एओ ह्यूम ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच के हिसाब से कि हाँ सिंपथी रखते थे इंडियंस के पॉलिटिकल स्ट्रगल के साथ, दैट इज द रीजन ही डिसाइडेड टू फॉर्म अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर इंडियंस, ताकि वो एक पॉलिटिकल वो प्लेटफॉर्म जो है वॉइस बन सके इंडियंस के लिए, ताकि वो ग्रीफ्रेंसेस जो है ब्रिटिशर्स के पास पहुंच सके, और ब्रिटिशर्स और इंडियंस का जो बीच का डिफरेंस है या डिस्टेंस है वो मिनिमम हो। अंडरस्टूड हो गया? अब ये सारी चीजें कैसे हमें पता चलती है, ये एओ ह्यूम के बायोग्राफर थे जिनका नाम था विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न जो थे वो आईएनसी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो आप कमेंट में बताइएगा कौन से सेशन के वो आईएनसी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, सो उन्होंने इस थ्योरी के बेसिकली प्रपाउंड किया एक तरीके से, या उसको सपोर्ट किया कि एओ ह्यूम का ये थॉट प्रोसेस था, इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं आईएनसी को बनाने में हेल्प किया था। बट एक्चुअल जो रियलिस्टिक थ्योरी जिसको बोला जाता है वो कौन सी है, कि हमारे जो तीन लाल बाल पाल थे, लाल बाल एंड पाल जो थे, उन्होंने बेसिकली ये थ्योरी जो है रखी हुई है जिसका नाम है सेफ्टी वेल्थ थ्योरी। सेफ्टी वेल्थ थ्योरी, इसका मतलब क्या है कि जो लाला लाजपत राय है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपनी दो किताबें लिखी थी, एक था अनहैप्पी इंडिया एंड दूसरी थी पंजाबी। इन दो बुक्स के हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन किया था और क्रिटिसाइज भी किया था पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी। उनके हिसाब से क्या था कि ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी थी डफरिन की, लॉर्ड डफरिन जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, एंड एओ ह्यूम की, टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है, टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी क्यों, क्योंकि सेफ्टी वेल, एक सेफ्टी वेल का मतलब क्या है कि लोग बड़े ही परेशान हो चुके हैं, तो क्यों ना क्यों एक रास्ता इस तरीके से बनाया जा सके कि उनकी पूरी परेशानी जो है वो एक सेफ्टी सेफ तरीके से हमारे पास पहुंच जाए, नहीं तो दोबारा से रिवोल्ट हो सकता है। दोबारा से क्या हो सकता है, रिवोल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इनका मानना ये था लाल बाल पाल का कि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और ब्रिटिशर्स को डर था कि दोबारा रिवोल्ट ना हो जाए, लेट्स मेक अ सेफ्टी वेल्व प्लेटफॉर्म जहां पे वो सारा का सारा जो डिसकंटेंटमेंट है वो हमारे पास बहुत ही सेफली पहुंच जाए। ठीक है, ओके। अब सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी की बात करें, मतलब 1850 से बात करें, नेशनलिज्म की बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, नेशनलिज्म बढ़ रहा था, और जो बेसिकली ब्रिटिश थिंक टैंक, जो सोचने वाले लोग थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उन्होंने बोला कि हम लोग को एक इन बिटवीन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन पब्लिक के बीच में एक बफर ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। यह ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है,
अगर ये इंडियन है और ये ब्रिटिशर्स हैं, अगर बीच में कुछ नहीं होगा तो ये डायरेक्टली रिवोल्ट हमारे पास दोबारा कर देंगे, जो कि हमको लग भी रहा है नेशनलिज्म की भावना बहुत बढ़ चुकी है इंडियंस के अंदर। तो लेट्स मेक अ बफर जोन, और बफर जोन जो है बेसिकली इन्होंने बनाया, ये ब्रिटिश थिंक टैंक का थॉट प्रोसेस था। थस आईएनसी वुड वर्क एज अ बफर ऑर्गेनाइजेशन, और इन अदर वर्ड इट वुड एक्ट एज अ सेफ्टी वेल्व। ठीक है, सो ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलियम जेम्स हो गया। अच्छा, विलियम जेम्स की जगह जोन्स भी एनसीईआरटीज में लिखा होता है, विलियम जोन्स। ओके, तो जेम्स और जोन्स एक ही बात है। हेनरी कोलब्रुक एंड नाथनियल हैलाड हैड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन अमंग देम, इनके बीच में क्या कॉमन था? ठीक है, तो देवर क्रिटिक ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विलियम जोन्स तो बहुत ही ज्यादा सपोर्टर थे, इनफैक्ट विलियम जोन्स, क्योंकि हम लोग इतना तो जानते ही हैं विलियम जोन्स के बारे में, तो जानते ही हैं, ही वॉज ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट वो लोग होते थे जो मानते थे कि जो एंशंट कल्चर है, स्क्रिप्चर्स है, सारी चीजें जो एंशंट है, लैंग्वेजेस हैं, वो सारी ओरिएंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको समझने के लिए। किनको? ओरिएंट्स को समझने के लिए। ओरिएंट्स कौन? जो इंडियन पीपल है, एशियन पीपल है, उनको समझने के लिए हमें इनकी एंशंट लैंग्वेजेस, ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो देवर नॉट क्रिटिक, ये तो गलत हो गया। देवर जजेस एट द कोर्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये सारे जज नहीं थे, जोन्स तो बिल्कुल थे जज। ठीक है, उसके बाद देवर प्रोफेसर टीचिंग हिस्ट्री एंड साउथ एंड सोसाइटी ऑफ साउथ एशिया, ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत है, बिकॉज देवर नॉट, सारे के सारे प्रोफेसर्स नहीं थे। देवर लिंग्विस्टिक हु ट्राई टू इंटरप्रेट द कल्चर ऑफ साउथ एशिया टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, सो ये लिंग्विस्टिक थे बिल्कुल। जोन्स जो थे, उन्होंने ब्राह्मण पंडित्स के साथ, जो पंडित्स थे उनके साथ संस्कृत सीखी थी। कोलब्रुक का भी इसी तरीके से था। नाथल हलार्ड भी, इन्होंने बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखी थी, और ये कोशिश कर रहे थे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज जो इंडियन साउथ एशिया से रिलेटेड है सीख के उनका जो कल्चर है उसको इंटरप्रेट कर पाए, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाए। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब मैं आपको एग्जैक्टली इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। जैसे कोलब्रुक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ही इज नोन एज फर्स्ट ग्रेट संस्कृत स्कॉलर इन यूरोप, याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रेट संस्कृत स्कॉलर इन यूरोप। अब वेलेस्ले ने इनको अपॉइंट कर लिया था 1805 में एज अ ऑनरेरी प्रोफेसर ऑफ संस्कृत एंड हिंदू लॉ इन दी फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर इनको जो है बेसिकली ऑनरेरी प्रोफेसर जो है संस्कृत का अपॉइंट कर लिया था। ठीक है, और हिंदू लॉ का। ओके, अब जोन्स जो थे, जोन्स मतलब विलियम जेम्स, उन्होंने डिस्कवर किया, इनका इंटरेस्ट वॉज शेयर्ड बाय मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स, मतलब उन्होंने फाइंड आउट किया कि मेरे जैसे इंटरेस्ट वाले लोग जो हैं, जो कि इंडियन हेरिटेज को, एंशियंट इंडियन हेरिटेज को समझना चाहते हैं, इंडियन लैंग्वेजेस को मास्टर करना चाहते हैं, ऐसे इंटरेस्ट वाले लोग और भी हैं कलकत्ता के अंदर, और उस कैटेगरी में आते हैं थॉमस कोलब्रुक एंड नाथनियल हलार्ड, ये भी लोग जो थे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इन्होंने ही डिसाइड किया सारे टुगेदर, टुगेदर विद देम जोन्स ने सेटअप किया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। आपने हर किताब में यही पढ़ा होगा कि जोन्स ने सेटअप किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बट उसमें कहीं ना कहीं कोलब्रुक और हेलार्ड इन दोनों का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, और स्टार्टेड अ जर्नल जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस, स्टार्टेड अ जर्नल जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस। अंडरस्टूड हो गया? तो ये याद रखिएगा आप कि इस तरीके से इन्होंने सेटअप किया था। ठीक है, और इसमें फर्स्ट ग्रेट संस्कृत स्कॉलर इन यूरोप कोलब्रुक के बारे में बोला जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ये सारे के सारे ओरिएंटलिस्ट थे। वेलेस्ले जो थे, लॉर्ड वेलेस्ले जो थे, ही वाज आल्सो ओरिएंटलिस्ट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आता है, परमानेंट सेटलमेंट वाज रियली एक्सटेंडेड टू अदर रीजन्स बिकॉज। परमानेंट सेटलमेंट हमें पता ही है, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में ये है कि ये ब्रिटिशर्स है, ये आम जनता है जो कल्टीवेटर्स है, और ये आगे हमारे जमींदार। ठीक है, सो ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, बोला जमींदार को कि हम आपको ओनरशिप दे देते हैं, वैसे तो आप वैसे ही आपके पास बहुत सारी जमीनें हैं, लेकिन और भी जमीनें दे देते हैं आपको, ओनर बना देते हैं, और व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज आप इन लोगों को बेसिकली जमीनें दोगे और उनसे काम करवाओगे, और ये लोग आपको टैक्स देंगे, और ये टैक्स का कुछ हिस्सा आप जो है हमारे को फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड
पैसा जो है आपको हमें देना पड़ेगा, फिक्स पैसा आपको देना पड़ेगा, जमींदारों को, ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा। आप इनसे जो है कितना भी पैसा ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इनकी जो भी आपके साथ इनका तालमेल है उसके हिसाब से आप इनसे पैसा ले सकते हैं, ठीक है, बट हमारे को फिक्स देना पड़ेगा। और इस तरीके से था, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा जो प्रिंसिपल था या पूरा कॉन्सेप्ट था परमानेंट सेटलमेंट का, ये बहुत ही कम जगहों पे, बंगाल के अलावा कहीं और इसको ज्यादा स्प्रेड किया नहीं गया, ठीक है। चलिए, इसका क्या रीजन है? पहला रीजन तो ये है कि इंक्रीजेस इन द एग्रीकल्चरल प्राइजेस आफ्टर 1810 इंक्रीज द वैल्यू ऑफ हार्वेस्ट। एग्रीकल्चरल प्राइजेस इन द इंक्रीज होने की वजह से आफ्टर 1810 इंक्रीज द वैल्यू ऑफ हार्वेस्ट वाइल द परमानेंट सेटलमेंट डिस अलाउड एन इंक्रीज इन द स्टेट शेयर, ठीक है। कि स्टेट शेयर मतलब ब्रिटिशर्स का जो शेयर है उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। 1810 के बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्राइसेस बढ़ गए। अब एग्रीकल्चर प्राइसेस बढ़ गए तो इनको जो है इनको ज्यादा पैसा मिलने लगा। अब ज्यादा पैसा इनको मिलेगा तो जमींदार ज्यादा टैक्स लगाएगा, लेकिन जमींदार तो इनको तो फिक्स्ड इनकम ही दे रहा है, तो अंग्रेजों को तो कोई फायदा एज सच नहीं हुआ था आफ्टर 1810 के बाद। तो शायद ये रीजन हो सकता है कि परमानेंट सेटलमेंट को आगे बढ़ाया नहीं गया, है कि नहीं। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट। इकोनॉमिक थेरीज ऑफ रिकार्डो इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर। जो इकोनॉमिक थेरी है रिकार्डो की, उसने पॉलिसी मेकर को इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, कि आगे हम लोग परमानेंट सेटलमेंट को नहीं बल्कि कोई और सेटलमेंट लेकर आते हैं, जैसे रियोतवारी हो गया, महलवारी हो गया, तो उसको लेकर आते हैं, इसको नहीं लेकर आएंगे। थर्ड इज द स्टेट फाउंडेड एक्सपीडियंट टू सेटल डायरेक्टली विद द रॉथ्स। स्टेट मतलब ब्रिटिशर्स को कंफर्टेबल लगा, कन्वीनियंट लगा कि हम लोग क्या करते हैं, जमींदारों को लेकर आने की जगह हम लोग किसको लेकर आ जाते हैं, रेओत के साथ हम लोग खुद ही डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, खुद ही डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। अंडरस्टूड हो गया। तो इसमें आंसर क्या हो सकता है, परमानेंट सेटलमेंट को और जगह क्यों नहीं एक्सटेंड किया गया? तो पहला इसका आंसर बिल्कुल सही है। बेसिकली क्या था, 1810 के बाद क्या हुआ, देखो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी 1793 में, ठीक है, बंगाल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब 1793 से लेके 1810 तक जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन ऐसी थी जहां पे एग्रीकल्चर प्राइसेस कम थे। अब एग्रीकल्चर प्राइसेस कम होंगे तो किसान जो है जमींदार को भी कम दे पाएगा, वो बात अलग है। जमींदार जो है खूब एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता था किसान को, लेकिन किसान भी अब कहाँ से देगा, तो जमींदार को भी कम मिल रहा था, जमींदार को भी कम मिल रहा था, तो जमींदार कहीं ना कहीं इसका तो ब्रिटिश अपना ब्रिटिशर जो है इसका हिस्सा तो निकाल लेता था, जमींदार ब्रिटिशर का तो फिक्स्ड इनकम निकाल लेता था कैसे ना कैसे। लेकिन क्या होता है, जैसे ही 1810 का टाइम आता है एग्रीकल्चर प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब एग्रीकल्चर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो जमींदार के पास तो बेसिकली ज्यादा पैसा आना शुरू हो गया और ब्रिटिशर्स के पास वो लिमिटेड पैसा ही रहा, और इसकी वजह से ब्रिटिशर को लगा कि वी आर अकॉर्डिंग टू दिस सेटलमेंट वी आर इकोनॉमिक लूजर, हम लोग क्या हैं, इकोनॉमिक लूजर हैं, ठीक है। बट जमींदार इस सिस्टम के तहत जो है इकोनॉमिक विनर था, समझ आ गया, ही वॉज द इकोनॉमिक विनर, फाइनेंशियल विनर था, ओके। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, रिकार्डो के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या इनका रिकार्डियन प्रिंसिपल था उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है कि स्टेट को लगा, गवर्नमेंट को लगा कि यार हम लोग डायरेक्टली इसके पास जाते हैं, रियोत के पास जाते हैं, जमींदार का कोई रोल होना नहीं चाहिए। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए, समझ आ गया। चलो, सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट रेयरली एक्सटेंडेड टू एनी पार्ट बियॉन्ड बंगाल, बिल्कुल सही है। रीजन पहला क्या था, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। पहला रीजन तो वही था कि भैया इकोनॉमिक लूजर, इकोनॉमिक विनर था जमींदार, इकोनॉमिक लूजर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ओके। नाउ कुछ और रीजंस की बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1820 का टाइम चल रहा था और डेविड रिकार्डो एक बहुत ही जबरदस्त इकोनॉमिस्ट हैं, रह चुके हैं, तो उस टाइम पे क्या चल रहा था, रिकार्डियन आइडियाज को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही थी। इंपॉर्टेंस कैसे, कि जब महाराष्ट्र में ब्रिटिशर्स सोच रहे थे कि लेट्स सेटल डाउन, लेट्स मेक सम लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, बट अब लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हम परमानेंट सेटलमेंट वाला नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो रिकार्डियन आइडियाज के हिसाब से हो। मतलब कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने अर्ली सेटलमेंट जो थे दे ऑपरेटेड विद सम ऑफ द आइडियाज। देखो
इसका मतलब क्या है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे महाराष्ट्र में जब ब्रिटिशर्स परमानेंट सेटलमेंट नहीं लाना चाहते थे, क्यों नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि रिकार्डो जो थे उन्होंने कुछ बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था ये देख लेते हैं। उन्होंने बोला कि जो लैंड ओनर होता है, लैंड ओनर का मतलब क्या है, जमींदार, ठीक है। जमींदार क्या करेगा, जमींदार के पास केवल और केवल जो हिस्सा होना चाहिए उसका, वो होना चाहिए केवल एवरेज प्रॉफिट का, ठीक है। जितना भी एवरेज रेंट आ रहा है उसी के ऊपर उसका क्लेम होना चाहिए, ठीक है। अगर तो उसके पास एवरेज रेंट से ज्यादा उसके पास सरप्लस आ रहा है, उसके पास क्या आ रहा है, ज्यादा सरप्लस आ रहा है, तो व्हाट वुड हैपन, स्टेट जो है उसको उस सरप्लस के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत है, उसको उसके ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत है। अगर स्टेट उस सरप्लस एवरेज रेंट से ज्यादा जो उस अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा, तो व्हाट वुड हैपन, यहाँ पे कल्टीवेटर्स क्या लिखा है, कल्टीवेटर इज लैंड ओनर ओनली, मतलब जमींदार। तो यहाँ पे जमींदार क्या बन जाएगा, रेंटियर बन जाएगा। रेंटियर मतलब वो अपना जो पूरा हिसाब किताब है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, रेंट के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो रेंट के ऊपर हो जाएगा, रेंट के ऊपर मतलब वो क्या सोचेगा कि अगर मान लीजिए जमींदार के पास जो भी जितना भी सरप्लस आएगा, और सरप्लस पे बेसिकली जमींदार की इस सरप्लस इनकम पे सरकार ने टैक्स नहीं लगाया, मान लीजिए मना कर दिया टैक्स लगाने पे, तो ये जो सरप्लस है ये जमींदार के पास आएगा, और जमींदार सोचेगा अरे ये तो मेरी इनकम आ गई, ये तो मेरी इनकम आ गई, इस इनकम को मैं एज अ अपने लिविंग के लिए रखूंगा, मैं क्या करूंगा, इस इनकम को अपनी जिंदगी चलाने के लिए ही यूज करूंगा, मैं इस इनकम को कहीं पर भी अपने जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए यूज नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है ना, प्रोडक्टिविटी के लिए क्यों यूज करेगा, क्योंकि उसके पास ये जो इनकम आ रही है, ये जो इनकम सारी की सारी आ रही है उसके पास, ये वो अपनी जिंदगी चलाने के लिए, काटने के लिए यूज करेगा, ठीक है। क्योंकि उसने तो लैंड दे दिया किराए पे, है कि नहीं। अब वो जो लिविंग होगा, सेम अप्लाइज टू जो रेंट सिस्टम होता है, जहाँ पे जो ओनर होता है वो ज्यादा इतना ध्यान नहीं देता, उसको रेंट से मतलब होता है, रेंट मिल गया वो अपना खर्चा पानी चलाएगा, बाकी उसको ये मतलब नहीं है कि कमरे का किस तरीके से सेटिंग है, वो सारा किसके ऊपर डिपेंड कर देता है, वो किसके ऊपर छोड़ देता है, वो छोड़ देता है जो उस कमरे के अंदर रह रहा होता है, ठीक है, या उस फ्लैट में रह रहा होता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, जमींदार का ये इस तरीके का एटीट्यूड बनना शुरू हो गया था परमानेंट सेटलमेंट में। जमींदार को लैंड ओनर बना दिया, लैंड ओनर बना दिया, अब एवरेज रेंट से ज्यादा जो सरप्लस आ रहा था उस पे सरकार टैक्स लगा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट था, तो वो जो सरप्लस था वो जमींदार लैंड की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी लिविंग को, अपनी जिंदगी को जीने के लिए यूज कर रहा था। सो ये जो चीज था, ये चीज ब्रिटिशर्स ने फेल्ट कर ली, ये सोच लिया कि हाँ ये एक्चुअली रिकार्डियन जो प्रिंसिपल था वो सही था, वो उन्होंने सही बोला था कि इस तरीके से। सो नाउ वी नीड टू हैव अ डिफरेंट सिस्टम, वी नीड टू हैव अ डिफरेंट सिस्टम, अंडरस्टूड हो गया। तो इसीलिए फिर महाराष्ट्र वाले रीजन में हमें रेवतवारी सेटलमेंट देखने को मिलता है, अंडरस्टूड हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले एक मिनट, यस, चिपको मूवमेंट की बात कर रहे हैं। वॉज एन एनवायरमेंटल मूवमेंट टू प्रिवेंट द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज जो है बिल्कुल था। रेज द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल। इट इज द मूवमेंट अगेंस्ट द एल्कोहलिज्म एज इट्स ब्रॉडेंड एजेंडा, ओके। डिमांडेड दैट द लोकल कम्युनिटीज शुड हैव कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो चिपको मूवमेंट वॉज ए एनवायरमेंटल मूवमेंट, बिल्कुल था। दूसरा भी सही होना चाहिए, इकोलॉजिकल एनवायरमेंट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का क्वेश्चन रेज किया था, बिल्कुल सही है। डिमांडेड लोकल कम्युनिटी, बिल्कुल, चौथा भी सही है। अब तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा आपको बड़ी बड़ी किताबों में भी नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में इसके बारे में अच्छा खासा दे रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी में ही इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एल्कोहलिज्म का भी प्रॉब्लम इस मूवमेंट में था, इसीलिए वुमेन्स जो थी उन्होंने एल्कोहलिज्म का भी एक मुद्दा उठाया था इस मूवमेंट के दौरान। तो पहला, दूसरा, चौथा तो बिल्कुल सही है। अगर पहला, दूसरा, चौथा सही है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन रहता है, बाकी और ऑप्शन बन ही नहीं पाते। तो ये जो एल्कोहलिज्म वाला मुद्दा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली क्या था कि जो अथॉरिटीज थी
उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्वियसली प्लांट जो ट्रीज है वो कट करना शुरू कर दिया। तो वहां की जो लोकल कम्युनिटीज थी उन्होंने स्टार्ट कर दिया रिवोल्ट, ठीक है, बहुत ही पीसफुल रिवोल्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब वहां की जो फीमेल्स थी उन्होंने ये चीज देखा कि जो हमारे मेल मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, उनको ये जो अथॉरिटीज वाले हैं वो लिकर का मतलब वो जो साइकिल है ना उसको वो कर रहे हैं, मतलब अल्कोहल पिला रहे हैं, इस तरीके से उनको नशे में डाल रहे हैं। नशे में डालेंगे तो ऑब्वियसली वो जो मेल मेंबर्स होंगे वो इतना प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे मूवमेंट में, और मूवमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो फीमेल्स ने अपना पूरा अपना योगदान दिखाया कि ये तो ठीक है कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, हम अपने ट्रीज को बचाएंगे कटिंग होने से, लेकिन हमारा एक मुद्दा और भी होगा, वो ये कि ये जो यहाँ पे जो अल्कोहलिज्म या लिकर का ये जो साइकिल चल रहा है, विशेष साइकिल चल रहा है, इसको भी हम कम करना चाहते हैं। समझ आ गया? तो देखो और इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे ये जो चिपको मूवमेंट था चामोली डिस्ट्रिक्ट में था, अभी वो उत्तराखंड में, उस टाइम पे उत्तर प्रदेश में था। इन 1973 में इसको लॉन्च किया गया था। अब ये जो चिपको का नाम जो है मूवमेंट का, ये आया था एम्ब्रेस एज द विलेजर्स, फ्रॉम द वर्ड एम्ब्रेस एज द विलेजर्स, ठीक है, कि मतलब ये दिखा रहे थे चिपक के ट्रीज के साथ, ये दिखा रहे थे कि हम कितना ज्यादा अपने नेचुरल वेजिटेशन से प्यार करते हैं। इस तरीके से दे हग द ट्रीज, इनसर्कल देम टू प्रिवेंट बीइंग हग्ड, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट वॉज साइलेंट नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, साइलेंट था, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था। और सुंदरलाल बहुगुणा बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, ये फेमस गांधीयन प्रिंसिपल्स पे चलने वाले इंसान थे, और इन्होंने जो बेसिकली इस तरीके से कमान संभाली हुई थी, ओके। और इन्होंने बेसिकली इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, ये इन्होंने कॉइन किया हुआ था, चिपको स्लोगन दिया हुआ था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि वुमेन्स जो थी उन्होंने एक मुद्दा और उठाया था, दैट वाज अल्कोहलिज्म के अगेंस्ट उन्होंने मुद्दा उठाया था, क्योंकि उनके जो हस्बैंड्स थे, मेल काउंटर पार्ट्स थे, उनको बेसिकली नशे में डाला जा रहा था ताकि मूवमेंट जो है वो अपना जो गति है उसको उस प्रॉपरली ना हो पाए, ठीक है। विच, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस्ट्रीज इन द कॉलोनियल इंडिया इज नॉट ट्रू, मतलब कौन सी गलत बतानी है। देखिए सबसे पहले जूट इंडस्ट्री वॉज ऑलमोस्ट इंटायरली ओन्ड बाय द यूरोपियंस, बिल्कुल जूट इंडस्ट्री, चलो देखते हैं इसके बारे में। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज ऑलमोस्ट होली ओन्ड बाय द इंडियंस, ठीक है। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज स्मॉल इन साइज एंड ग्रोथ ऑफ कॉटन इंडस्ट्री वॉज रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, ग्रोथ ऑफ कॉटन इंडस्ट्री वॉज द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, ठीक है। सो इसको हम लोग देखते हैं कौन सा गलत है। अब देखिए जूट इंडस्ट्री की बात करते हैं, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये आंसर है इसका। अगर चारों स्टेटमेंट देखे तो चारों स्टेटमेंट का आप कहीं ना कहीं इसको एकदम 100% सही स्टेटमेंट नहीं है। आप देखिएगा अगर लैंग्वेज में देखेंगे तो ऑलमोस्ट इंटायरली ओन्ड मतलब ऑलमोस्ट मतलब ऐसा नहीं है, 99% तो यूरोपियंस के द्वारा थी, इसमें भी ऑलमोस्ट होली ओन्ड है, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से ही स्टेटमेंट पुट की हुई है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्मॉल इन साइज थी, अब किसके साथ कंपेयर किया हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो ये भी एक तरीके से जर्नलाइज स्टेटमेंट है, ये भी एक तरीके से जर्नलाइज है, ये भी जर्नलाइज है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ के देखते हैं, द ग्रोथ ऑफ कॉटन इंडस्ट्री वॉज द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, अच्छा गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाली होती थी टू द कॉटन इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ा एक डाउटफुल स्टेटमेंट है, विच इज राइट, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट का सपोर्ट कॉटन इंडस्ट्री को कभी नहीं मिला, बहुत ही कम सपोर्ट मिला, बल्कि जो लोग थे कॉटन इंडस्ट्री में, इसको तो बेसिकली इंडियन कॉटन इंडस्ट्री को तो बेसिकली बहुत ही कम लेवल पे सपोर्ट मिल रहा था गवर्नमेंट का। चलो देखते हैं और इसको अच्छे से देखते हैं, जैसे टी प्लांटेशन होगी, कोल हो गया, जूट मिल्स हो गया, ये बेसिकली यूरोपियन इंटरप्राइजेस ही थे जो इंडिया में सेटअप थे, जूट मिल्स थी, कोल थी, टी प्लांटेशन था, सब यूरोपियन इंटरप्राइजेस के अंडर था, जो 1850 से 1880 तक स्टैब्लिश हो गया था। ए इज राइट, बी क्या है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कॉटन मिल्स जो थी वो डेवलप हुई थी पारसी एंड गुजराती इंटरप्राइज के द्वारा,
बिफोर एंड आफ्टर द सिविल वॉर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मैं बताता हूँ, देखो पारसीज जो थे और गुजराती लोग जो थे, ये लोग के पास पैसा कहाँ से आया? ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है कि पैसा भी तो चाहिए इस चीज को करने के लिए। अब बेसिकली क्या था कि आपने सुना होगा ओपियम ट्रेड। ओपियम ट्रेड जो था वो बेसिकली कहाँ से आता था, वो आपने देखा होगा वेस्टर्न पाकिस्तान, मतलब जो हमारा वेस्ट पंजाब है, वेस्ट पंजाब अनडिवाइडेड पंजाब था उस टाइम पे, तो उस जगहों से जैसे सिंध हो गया, इन जगहों से ओपियम की खेती होती थी। ये ओपियम प्रोड्यूस होने के बाद इट गोज टू बॉम्बे, बॉम्बे में जाता था और बॉम्बे से ये शिप होता था चाइना की तरफ, ठीक है, चाइना में जाता था। अब बॉम्बे से लेके सिंध से लेके और सिंध के अलावा भी दो तीन जगह और थी जहां पे ओपियम कल्टीवेशन होती थी, तो यहां से ओपियम उठाना और बॉम्बे तक पहुंचाना ये किसका काम होता था? इन लोगों का काम होता था, पारसी और गुजराती लोगों का। मतलब ये लोग मिडल मैन की तरह काम करते थे, ये लोग अपनी सर्विसेज देते थे, तो इनको ओपियम ट्रेड के टाइम पे बड़ा ही मुनाफा हुआ था, इनको बहुत फायदा हुआ था ओपियम ट्रेड के टाइम पे। तो तब से ये इकट्ठे हो गए थे, मतलब इकट्ठे इन द सेंस बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके थे। तो तब इन्होंने, जैसे पारसी और गुजराती लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स सेटअप अ कॉटन मिल्स, कॉटन मिल्स हम लोग सेटअप करते हैं बॉम्बे में, बॉम्बे के रीजन में हम लोग कॉटन मिल सेटअप करते हैं। और ये सारी चीजें थी। फिर टाटा, JRD टाटा जो आपने सुना होगा, टाटा उन्होंने सोचा कि हम लोग और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो कोल, सॉरी आयरन कोल जो माइंस थी वो बेसिकली झारखंड वाले एरियाज में सेटअप की गई थी टाटा ब्रदर्स के द्वारा। ओके, सो ये इस तरीके से इसके बारे में था। अब उसके बाद जो तीसरा चौथा ऑप्शन था उसकी बात कर लेते हैं। चौथे ऑप्शन में क्या है कि उन्होंने बेसिकली फाइनेंशियल हेल्प या फिर कोई प्रोटेक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहीं भी इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्रीज को बिल्कुल भी नहीं दी थी। और इनफैक्ट वो इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट को तो बेसिकली प्रमोट ही नहीं करते थे। तो इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट के लोग जो थे वो अपना रोजगार उनका जा रहा था और वो एग्रीकल्चर की तरफ और डिपेंडेंट होते जा रहे थे, और एक तरीके से डिवास्टेशन हो रही थी किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर में भी और इंडियन इंडस्ट्रीज के अंदर भी, कॉटन इंडस्ट्रीज के अंदर भी, समझ आ रहा है? तो डी ऑप्शन जो है हमारा बहुत ही रेलेवेंट लगता है, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेजर बूस्ट टू मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया हैपेंड इन 1860s के टाइम पे, इट वाज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ व्हाट, ठीक है। 1860 के टाइम पे बूस्ट मिला मॉडर्न इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो वो 1860 में क्यों मिला भाई? बहुत सिंपल सी चीज है, 1860 में इसलिए मिला क्योंकि कॉटन की डिमांड जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई इंडिया से, ठीक है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में क्या होगा, अमेरिका में बेसिकली जो सिविल वॉर थी वो शुरू हो चुकी थी, और जैसे ही सिविल वॉर शुरू हुई 1860 के टाइम पे, वहां का जो पूरा का पूरा कॉटन डिमांड था वो शिफ्ट हो गया इंडिया की कॉटन डिमांड की तरफ, ठीक है। इंडिया की कॉटन की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। सो डिमांड क्रिएटेड इन अमेरिका बिकॉज ऑफ सिविल वॉर, डिमांड क्रिएटेड इन यूरोप बिकॉज ऑफ सिविल वॉर इन अमेरिका, डिक्लाइन इन कॉम्पिटिशन फ्रॉम द कॉटन मिल्स लैंचर मैनचेस्टर, सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट टू इंडस्ट्री, ये तो गलत है, ये भी गलत है। ये वाला जो है डिमांड क्रिएटेड इन यूरोप बिकॉज ऑफ सिविल वॉर इन अमेरिका, अमेरिका में सिविल वॉर चालू हो गया था, यूरोप में कॉटन चाहिए होता था, यूरोप अमेरिका से मंगाता था, लेकिन अब जब अमेरिका खुद वॉर के अंदर है तो यूरोप क्या करेगा, यूरोप मंगाएगा इंडियन मॉडर्न इंडस्ट्री से कॉटन, अंडरस्टूड। सो 1860 से लगभग 1860 से लेके 1866 तक ये कॉटन डिमांड इंडिया की बनी ही रही, हाई ही रही, ठीक है। लेकिन फिर दोबारा से जब सिविल वॉर से हट गया अमेरिका, सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इज कि जो इंडियन कॉटन डिमांड थी वो कम होना शुरू हो गई, और अमेरिकन कॉटन डिमांड की दोबारा से मतलब उसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, जब इस तरीके से सिस्टम चला तो डेकन राइट्स हुआ, डेकन राइट्स, ठीक है। सो डेकन राइट्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगर हमारे पास ये डेकन राइट्स के बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, वील बी टॉकिंग इट अबाउट इट लेटर। बट मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, जब इस ये टाइम से लेके ये टाइम तक रहा तब तो ठीक सब चल रहा था, लेकिन जब ये टाइम खत्म हो गया इनका प्रॉफिटेबिलिटी वाला, फिर डेकन राइट्स हुए थे। डेकन राइट्स में किसानों ने बेसिकली
ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी और मनी लेंडर्स के अगेंस्ट भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डिजाइन द बॉम्बे सेक्रेटेरिएट इन 1870s। तो 1870 में बॉम्बे सेक्रेटेरिएट किसने डिजाइन किया था, इसमें है सेंट क्लार विल्किंस, कोवर्स जी जहांगीर रेडीमनी, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड नसूर वंजी टाटा। अब देखिए इंडियंस जो है वो बॉम्बे सेक्रेटेरिएट डिजाइन करेंगे, बिल्कुल इंडियंस पैसा देते थे, इंडियन बिजनेसमैन जो थे पारसी थे गुजराती थे, दे यूज टू गिव मनी टू ब्रिटिशर्स इन ऑर्डर, जब भी वो कोई ब्रिटिशर्स कोई भी बिल्डिंग बिल्डिंग बनाते थे तो उसमें ये जो बड़े बड़े नाम होते थे बिजनेसमैन, ये उनको पैसा देते थे कि हमारे मदर के नाम की एक बिल्डिंग बना दो या हमारे किसी के उसके लिए आप एक वॉल क्लॉक बना दो, इस तरीके से ये अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते थे ब्रिटिशर्स के आर्किटेक्चर में या डिजाइन में या बिल्डिंग्स में। लेकिन इसका आंसर क्या है, बॉम्बे सेक्रेटेरिएट 1870 सेंट क्लार विल्किंस, इनका ये इन्होंने जो है वो डिजाइन किया था। तो आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है। डन, चलिए ये है बॉम्बे सेक्रेटेरिएट, ये सारा बॉम्बे सेक्रेटेरिएट है और इसको डिजाइन किसने किया था, क्लार विल्किंस ने किया था। अंडरस्टूड हो गया। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आई हैव फाउंड इज विमेन्स के रिलेटेड जो है, चाहे विमेन रेवोल्यूशनरी हो गई, एजुकेशनिस्ट हो गई, रेवोल्यूशनरी हो गई, एजुकेशनिस्ट हो गई, या फिर विमेन सोशल एक्टिविस्ट हो गई, ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट हो गई। सो ये सारे जो कवर टॉपिक्स हैं या सब टॉपिक्स हैं इनको मैं विमेन वाली कैटेगरी के अंदर कवर करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि आई हैव फाउंड इज कि लास्ट जो 2017 में आपका एपीएफओ हुआ था वहां पे 4 क्वेश्चंस विमेन्स के ऊपर आए थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2 क्वेश्चंस मैंने पहले भी आपको करवा दिए थे। सो कहीं ना कहीं ये ग्रे एरिया होता है जहां पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सवाल नहीं पूछती डायरेक्टली, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा जा सकता है, ईपीएफओ के अंदर पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज लाइक दिस लेक्चर, इफ यू डोंट लाइक दिस लेक्चर डू लेट मी नो कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है, ताकि आई विल ट्राई टू इनकल्केट ऑल दोस फीडबैक्स। डन, थैंक यू।